समर इज हेयर। क्या इस समर में हम एक हेल्दी प्रोटीन शेक बना सकते हैं घर पे कि नहीं? तो बिल्कुल बना सकते हैं। देखो मैंगो वगैरह जो होती है सीजनल फ्रूट होती है, तो हमें हमेशा सीजनल फ्रूट जो है खानी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं मैंगो या फिर ग्रेप ये सब चीजें नहीं खानी चाहिए क्योंकि उसमें शुगर होते हैं। उसमें जो शुगर होती है वो आर्टिफिशियल शुगर नहीं होती, वो नेचुरल शुगर होती है। और नेचुरल शुगर हमारे बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल चीज है और बहुत ही अच्छी चीज होती है। उससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला है। अभी तक तो हमने बहुत सारे शेक्स ट्राई कर चुके हैं, बट अब समर आ चुका है तो समर के लिए एक अच्छा समर एडिशन शेक हमने प्रिपेयर किया है जिसका नाम है होम मेड मैंगो हाई प्रोटीन शेक, जिससे तुम्हें मिलने वाले 30 grams ऑफ प्रोटीन जो कि तुम्हारी गेनिंग में भी मदद करेगी, कटिंग में भी मदद करेगी, मसल बिल्डिंग में भी मदद करेगी। तुम्हें बस अपने कैलोरीज के अकॉर्डिंग जो भी मैं इंग्रेडिएंट्स बताऊंगा उसकी क्वांटिटी को लेना है और एक अच्छा शेक बनाना है जो कि मैं अभी बताने वाला हूँ कैसे बनेगी। और ये बहुत ही टेस्टी होती है पीने में और रिसेंटली मेरी फेवरेट बन चुकी है। तो चलते हैं देखते हैं कि कैसे बनती है एक हाई प्रोटीन मैंगो शेक। तो सबसे पहले हमें लेना है दूध, उसके बाद हमें लेनी है 50-60 grams ऑफ ओट्स। तीसरी इंग्रेडिएंट है हमारी पीनट बटर। पीनट बटर मैंने यहाँ पे 25-30 grams के आसपास ली है, तुम अपने कैलोरीज के अकॉर्डिंग इसको सेट करना। उसके बाद अपना सबसे मेन इंग्रेडिएंट दैट इज मैंगो। एक मैंगो को मैंने कट कर लिया, ये 300-400 grams के आसपास होगा। तुम 200-300 grams के आसपास जो होगी मैंगो, एक मैंगो कट कर लेना। और थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट जिसपे मैंने लिए हैं 7-8 almonds और 7-8 cashew यानी काजू। क्योंकि मैं कटिंग पे हूं इसलिए मैंने लो फैट मिल्क का यूज किया, तुम कोई भी मिल्क यूज कर सकते हो। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली मिल्क जो होनी चाहिए ठंडी होनी चाहिए, एकदम चिल्ड लेना तो मिल्क, क्योंकि जब तुम उसको सारी चीजों को जब तुम ग्राइंड करोगे मिक्सचर में या हैंड ब्लेंडर से तो थोड़ी वो गर्म ऑलरेडी हो जाएगी। या तुम पैकेट वाली ले सकते हो या घर पे तुम्हारे है तो उसमें आइस क्यूब डाल देना। अगर नॉर्मल दूध है तुम्हारे पास तो तुम उसमें आइस क्यूब डाल के उसको तुम चिल्ड बना सकते हो। सो एक कंटेनर लेना है और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें उसमें ऐड कर देना है। फिर अपना मिक्सर ग्राइंडर या जूसर या हैंड ब्लेंडर से इन सारे को ब्लेंड कर देना है। अब अगर ये थोड़ी थिक बन जाए तो तुम इसमें और पानी ऐड कर सकते हो या दूध ऐड कर सकते हो, जिससे थोड़ी ये पतली बने। अब मैं यहाँ पे एक पर्सनल सजेशन देना चाहूंगा, अगर तुम 200 ग्राम के आसपास मैंगो इसमें कट करके डालोगे, मेजर कर लेना या तुम छोटी वाली एक मैंगो डाल देना, तो इससे थोड़ा सा ये पतला बनेगा, ज्यादा थिक नहीं बनेगा। क्योंकि तुम इसको जब ब्लेंड करोगे तो थोड़ी सी थिकनेस आएगी, तो जब क्वांटिटी कम रहेगी तो थिकनेस थोड़ी कम होगी। अगर क्वांटिटी ज्यादा हो जा रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी ऐड कर दो या मिल्क ऐड कर दो। एंड सिंपली तुम्हारा रेडी हो जाएगा 30 grams का एक हाई प्रोटीन मैंगो शेक। सो सीजनल फ्रूट भी है और इसमें हाई इन प्रोटीन भी चीजें मिल गई है तुम्हें, तो ये तुम्हारे लिए एक हेल्दी मील ऑप्शन हो जाता है। इसको तुम अपने वर्कआउट के पहले भी पी के जा सकते हो वर्कआउट करने के लिए, या वर्कआउट के बाद भी पी सकते हो, या तुम उसको ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हो। तो ये हर जगह पे तुम्हारे सेट हो जाएगा और तुम्हारी कैलोरीज के अकॉर्डिंग तुम्हें प्रोटीन भी अच्छी खासी वो दे देगा और तुम्हें गेनिंग में, बल्किंग में, मसल बिल्डिंग में, फैट लॉस में, हर चीज में तुम्हें सपोर्ट करेगा। एंड वन मोर सजेशन, अगर तुम्हें इसमें वे प्रोटीन ऐड करना तो तुम वो भी ऐड कर सकते हो, इससे इसकी प्रोटीन की क्वांटिटी और बढ़ जाएगी। समझो 22-24 grams प्रोटीन तुम इसमें ऐड करो तो एक स्कूप में जो पड़ती है हमें, इसकी क्वांटिटी हो जाएगी 54 grams ऑफ प्रोटीन। 30 grams इससे मिल जाएंगे और 24 grams तुम्हें वे प्रोटीन से मिल जाएंगे। और तुम स्किप करना चाहते हो वे प्रोटीन को तो कोई बात नहीं है, तुम्हें 30 grams ऑफ प्रोटीन फिर भी तुम्हें मिल रहे हैं। इस समर तुम इस मैंगो प्रोटीन शेक को जरूर ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इसकी टेस्ट तुम्हें कैसे लगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो में।